हेलो दोस्तों, जावा सीखने के लिए कोडर सैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम डाउनवर्ड ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे इन जावा लैंग्वेज में। तो फर्स्ट हम उसका लॉजिक लिखेंगे, फिर मैं वन बाय वन आपको उसका लॉजिक बता दूंगा। तो फर्स्ट हम रो के लिए फोर लूप लिख रहे हैं। इंट आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक जाएगा लूप, देन हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। सेकेंड फोर लूप, इनर फोर लूप हम यूज करेंगे कॉलम के लिए। तो इंट इक्वल टू जे इक्वल टू फाइव, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, देन जे माइनस माइनस। यहाँ से हमने ये कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे स्टार को। यहाँ से हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। देन हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको वन बाय वन ड्राई रन करके बता दूंगा इसको। तो चलो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ से हम अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, डेस्कटॉप कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने जावा पी नेम से एक फाइल बनाया है, तो उसमें आ जाते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को रन और कंपाइल करते हैं। जावा सी पी टू डॉट जावा फर्स्ट हमने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है। देन हम इसको रन करते हैं, जावा और क्लास नेम पी टू। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डाउनवर्ड ट्रायंगल का स्टार पैटर्न है। तो एक बार इसको वापस से कर लेते हैं, जिससे ये देखते कोई एरर वरर तो नहीं आ रहा। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। चलो दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट हमने यहाँ पे लूप लगाया है रो के लिए। तो रो मतलब ये होगा वन रो, टू रो, थ्री रो, फोर रो एंड फाइव रो के लिए। तो हमारा लूप फाइव रो तक चलेगा। और कॉलम है हमारा, ये हमारे कॉलम के लिए चला है। तो यहाँ से हम पहले यहाँ से हम अपने आई की वैल्यू को वन करते हैं। तो आई वन लेस देन इक्वल टू फाइव, ये कंडीशन ट्रू। तो हम इनर फोर लूप में आएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है जे इक्वल टू फाइव, तो जे मतलब फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू वन से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू। तो हम एक यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा देंगे। तो एक स्टार ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। देन जे माइनस माइनस, तो फिर यहाँ पे फोर हो जाएगा। फोर वन से बड़ा होता है, तो फिर यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे थ्री के लिए, टू के लिए, वन के लिए, फिर जीरो आ जाएगा। तो जीरो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ से आई की वैल्यू टू हो जाएगी, तो आई टू लेस देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू। देन वापस से हम इसके अंदर आ जाएंगे इनर लूप में। तो जे इक्वल टू फाइव है, फाइव बड़ा है दो से, तो फिर ये लूप हमारे पास चार टाइम चलेगा लूप। तो यहाँ से हमने ये चार स्टार प्रिंट करा दिए हैं। फिर वापस से जब ये वन पे आ जाएगा, वन के बाद जीरो पे जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो हम अब इस लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ से आई की वैल्यू को थ्री कर दिया हमने प्लस प्लस करके।
देन ये कंडीशन ट्रू हो गई, वापस इसमें आएंगे, यहाँ से हमने दो स्टार को प्रिंट करा लिया, फिर लास्ट में बचा फाइव, फाइव इसके बराबर ही है तो एक बार प्रिंट कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब तो यहाँ से अपना प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों